और एक किस्म जस्ट एरिस्ट दिखा रहा है। कौन सा किस्म किसी मिला नजर नाइन में, नजर नाइन 2024। एक ही किस्म नहीं, दो किस्म, एक सारा यह इतना सारा सब नॉन अवेलेबल है। कंप्लेन तो वो जो ईडी का डिप्टी डायरेक्टर था उसने, एक ही केस में नहीं दो केस में, एक उसने शो मोटर किया उस केस में भी वो नजर आठ है, और ये जो डिप्टी डायरेक्टर किया था वो ईडी का वो नजर नौ है, नौ में दस दिन पीसी अलाउ हुआ और वो आठ में सोन अरेस्ट का प्यार अलाउ हुआ। यह इतना सारा सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392 सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। नौ में आया था और नजर आठ में भी सोन अरेस्ट का प्लेयर था, ठीक है, सोन अरेस्ट प्लेयर अलाउ हो गया, और नौ में 14 दिन पुलिस रिमांड मांगा था लेकिन कोर्ट ने 10 दिन अलाउ किया, 10 दिन नजर पुलिस ने, वो भी शो मोटो नजर का नजर पीएस ने किया, वो एसआई एक एसआई था उसने किया 10 तारीख रिटर्न। एक केस में पीसी मांग रहा था, उसने 14 दिन का पीसी मांग रहा था, 10 दिन अलग हुआ, ठीक है। और एक केस में सोना अरेस्ट किया है नजर 8/2024, इस केस में सोना अरेस्ट हुआ है, और उस केस में 14 डेज का पीसी मांगा था, उसमें 10 डेज अलग हुआ, डायनेट को 10 डेज के लिए पीसी अलग हुआ। नहीं नहीं नहीं, एक केस में पीसी लिया और एक केस में जस्ट अरेस्ट दिखा रहा है नजर नाइन में, नजर नाइन 2024। इसमें वो जो ईडी ऑफिसर्स जो संदेश कल्ली में जाकर उनके बारी जाकर जो उनको नोटिस इन्वेस्टिगेशन पर्पस उनका तरह मीट करने जा रहा था, उसमें उन्होंने इंस्टिगेट किया, कुछ लोगों ने मिलकर ईडी ऑफिसर्स पर कुछ अटैक हुआ था, उसमें बहुत सारे ईडी ऑफिसर्स इंजर्ड हुआ, ग्रीवियसली इंजर्ड हुआ था, उसका गाड़ी भी टूट गया था, भंगचूर हुआ था, ठीक है, और उन लोगों का जो मोबाइल लैपटॉप जो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स उन्होंने स्नैच कर लिया था, तो ये घटना थोड़ा गंभीर था, तो ये ग्रीवियस ऑफेंस में उनको 14 दिन का किसी मांगा था, ठीक है, 10 डेज के लिए लाइन को अलाउ किया है, थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए ये पीसी का ग्रांट हुआ है, और जो स्नैचिंग मोबाइल लैपटॉप डॉक्यूमेंट्स रिकवर हो जाने के लिए पीसी मांगा था। सर ये जो आप जज सर कौन थे? इंद्रनील कर्मकार, उन्होंने एसएसएम इंचार्ज था बसरेट कोर्ट का, उन्होंने 10 डेज का पीसी अलॉट किया है। बेल रिजेक्शन क्या है, डिफेंस का बेल पेयर था वो रिजेक्शन हुआ, ठीक है।